Hey, what's up guys, Anuj here and welcome to the DSAOne course. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में. इट इज़ यूज टू फाइंड मिनिमम स्पेनिंग ट्री इन अ ग्राफ. मिनिमम स्पेनिंग ट्री का मतलब क्या होता है, जरा ये समझते हैं पहले. बेसिकली आप लोगों को अगर एक ग्राफ दे रखा है और आप लोगों को अगर अज्यूम कर लो कि जो वर्टिसेज हैं ये बेसिकली सिटीज़ को डिनोट कर रही हैं और जिसके अंदर एजेस हैं वो वायर्स को डिनोट कर रही हैं और आप लोगों को दे रखा है कि एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में वायर की लेंथ कितनी है, तो आप लोगों को बेसिकली फाइनल आउटपुट के अंदर सारी सिटीज़ को कनेक्टेड रखना है लेकिन वायर्स की लेंथ को मिनिमम रखना है. वो आप अगर कर दोगे तो आप लोगों का मिनिमम स्पेनिंग ट्री बन के आ जाएगा इसके अंदर से. तो आप क्या कर सकते हो, कुछ वर्टिसेस, कुछ एजेस को पूरा का पूरा रिमूव कर सकते हो और इस तरीके से रिमूव करोगे कि फाइनल आउटपुट के अंदर सारे सिटीज तो कनेक्टेड रहने चाहिए लेकिन जो टोटल वायर्स की लेंथ आ रही है कनेक्टेड रहने के बाद भी वो मिनिमम आए, तब कहते हैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रिम्स एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं लेकिन एक और एल्गोरिथम होती है क्रूस्कल एल्गोरिथम, वो हम बाद में समझ रहे होंगे. उसके लिए हमें डिसजॉइंट सेट के बारे में पता होना चाहिए, यूनियन फाइंड के बारे में पता होना चाहिए, बट वो हम बाद में देखेंगे. आज हम समझते हैं ये वाले एल्गोरिथम और इसको समझने से एक और फायदा होगा हमें. इसके बाद हम डायस्ट्रा एल्गोरिथम देख रहे होंगे और डायस्ट्रा एल्गोरिथम काफी हद तक प्रिम्स एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होती है. तो प्रिम्स एल्गोरिथम आप लोगों की ग्रीडी एल्गोरिथम होती है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक वर्टेक्स को पकड़ते हैं और उस वर्टेक्स से कनेक्टेड जो भी अभी सबसे छोटी एज है उसमें से एक एज को उठा लेते हैं और उसको फिर हम अपने एक दूसरे सेट में डाल लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास दो सेट होते हैं यहाँ पे. एक सपोज करो ये एक सेट है और एक दूसरा सेट है. ये आप लोगों का विजिटेड सेट है. ठीक है, विजिटेड सेट का मतलब है कि इसके अंदर जो भी वर्टिसेस होंगी वो एक तरीके से मिनिमम स्पेनिंग ट्री वाले को फॉर्म करते जा रही हैं और ये आप लोगों को शुरुआत वाली जो आपका ग्राफ है उस ये वो वाला सेट है. ठीक है, नॉन विजिटेड आप लोग एक एक करके इसमें डालते चलोगे लेकिन इस तरीके से डालोगे कि फाइनल आउटपुट के अंदर आप लोगों का मिनिमम स्पेनिंग ट्री बन के आए. तो एक एक करके इसमें से हम डालते रहेंगे जब तक ये पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए और ये सारी वर्टिसेस जो है वो विजिट ना हो जाए. देखते हैं किस तरीके से काम करता है. सपोज करो रैंडमली आपने कोई भी वर्टेक्स पिक कर ली, मैं जीरो पिक कर लेता हूँ फॉर सिंपलिसिटी. तो जीरो को हमने मार्क कर दिया विजिटेड. अब जीरो से कनेक्टेड जितनी भी एजेस हैं उनमें से सबसे छोटी एज को पकड़ लो. तो जीरो में से कनेक्टेड कौन कौन सी एज है, जीरो से वन भी है, जीरो से थ्री भी है और जीरो से फोर भी है. तो ये है फॉर लेंथ टू, ये है लेंथ सेवन और ये है लेंथ सिक्स. तो सबसे छोटी वाली ये है तो इसको पकड़ लेते हैं. ठीक है, और उसको हमने आंसर में डाल दिया कि आंसर के अंदर हमारी जीरो से वन वाली लेंथ है. या फिर आप लोग आंसर के अंदर एजेस स्टोर कर रहे हो तो आप इस तरीके से स्टोर करोगे, या फिर अगर आप लोगों को आंसर में फाइनल बस लेंथ स्टोर करनी है तो आप बस लेंथ डाल दोगे कि लेंथ होगी अभी फिलहाल टू, उसके बाद जो भी लेंथ आते आएंगी वो आप लोग उसमें इंक्रीमेंट करते रहोगे. ठीक है, तो हमने ये लिया. अब जीरो और वन हो गए इसके अंदर. अब इस सेट के अंदर जीरो और वन है और हम देखिए जीरो और वन से कनेक्टेड जो भी दूसरे साइड वाला नॉन कनेक्टेड वाला ग्राफ है वहां से सबसे छोटी एज कौन सी आ रही है. तो अगर आप देखोगे जीरो से कनेक्टेड है फोर विद लेंथ सिक्स, उसके बाद जीरो से कनेक्टेड है थ्री विद लेंथ सेवन और उसके बाद वन से कनेक्टेड है टू विद लेंथ वन और वन से कनेक्टेड है फोर विद लेंथ फोर. इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला. ठीक है, तो वन से कनेक्टेड टू है, इसको हम डाल देते हैं कि अभी तक ये विजिटेड नहीं था, इसको भी हमने डाल दिया. और वन से टू वाली को हमने फाइनल आउटपुट के अंदर डाल देगी, वन से टू भी फाइनल आउटपुट में आ जाएगी और इसकी लेंथ है वन. तो अब हमारे पास ये तीन वर्टिसेस हैं जो कि हमारी विजिट हो चुकी है और ये अभी फिलहाल इस तरीके से विजिट ये कनेक्टेड है. ठीक है, तो हमने सिर्फ इस वाली एज को कंसिडर किया और इस वाली एज को कंसिडर किया अभी तक. अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. अब हम देखेंगे कि इन तीनों से कौन सी एजेस निकल रही हैं जो कि सबसे मिनिमम होंगी फॉर नॉन विजिटेड साइट. ठीक है, तो अभी फिलहाल ये एक बेसिकली आप समझ सकते हो कि एक तरीके से कट लग रहा है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से कट लग रहा है और यही वो एजेस हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं दूसरे वर्ल्ड से. तो कौन कौन सी एजेस आ रही हैं इसमें, सिक्स सेवन फोर टू और थ्री. सबसे छोटी वाली कौन सी है, टू वाली है, तो इसको हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है, कि हमारे फाइनल के अंदर ये भी आ जाएगी और फोर को हम इसमें डाल देते हैं और हमारी एज कौन सी हो गई, वो है टू से फोर, टू से फोर और इसकी लेंथ है टू. अब हमारे पास नॉन विजिटेड सिर्फ एक ही बची है जिसका नंबर है थ्री. तो थ्री तक जाने के लिए हमारे पास रास्ते हैं, एक ये फाइव है, एक ये सेवन लेंथ का है, एक ये थ्री लेंथ का है. तो सबसे छोटा है थ्री, तो टू से थ्री वाले को उठा लेंगे कि टू से थ्री वाला आएगा फाइनल आउटपुट के अंदर और इसकी लेंथ है थ्री और इस तरीके से थ्री भी हमारा विजिट हो चुका है. एक बार जब सारे विजिट हो जाएंगे तो उसके बाद हम रुक जाएंगे यहाँ पे और हम देखेंगे जो भी हमारा आंसर आ रहा है, टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव प्लस थ्री एट. तो हमारा मिनिमम स्पेनिंग ट्री की जो लेंथ है फाइनल वो होगी एट और ये सारी उसके अंदर एजेस रहने वाली हैं. ठीक है, तो इन एजेस से आप देख रहे हो जो हमारी ब्लैक वाली एजेस हैं इनसे हमारा सारा ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है लेकिन जो भी हमारे पास लेंथ्स आ रही हैं उनका अगर आप सम करोगे तो वो मिनिमम आंसर देने वाली हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली एल्गोरिथम काम करती है. हमें समझ में आ रहा होगा कि ग्रीडी एल्गोरिथम है. ग्रीडी एल्गोरिथम क्यों है, क्योंकि हमें पता है पहले से कि अब हम स्टेप पर क्या करने वाले हैं. इस स्टेप पर हम सबसे छोटे वाले को चूज़ करने वाले हैं, उसके बाद अगले स्टेप में भी हम सबसे छोटे वाले को चूज़ करने वाले होंगे. तो इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं. कुछ तरीके थोड़े से आसान होते हैं तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कुछ तरीके थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है. उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू का और हैश मैप का. मैं आप लोगों को प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से समझाने वाला हूँ. कोड बहुत ही सिंपल कोड रहने वाला है, इससे सिंपल कोड आप लोगों ने देखा नहीं होगा. ठीक है, आप लोगों को बहुत आसान समझने में आने वाला है. मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं होगा वो, लेकिन बहुत ही इजी कोड होने वाला है. तो जरा समझते हैं.
तो हम डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करेंगे वो होगा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू हमें ऑलरेडी पता है किस तरह से काम करते हैं, हम मिन ही भी यूज करने वाले हैं। अगर आपको प्रायोरिटी क्यू नहीं पता तो एक बार आप प्रायोरिटी क्यू की वीडियो देख सकते हो हमारे DSAOne कोर्स के अंदर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो भी आप लोग देखो ये वाले एल्गोरिथम, आप लोगों को काफी क्लियरली समझ में आने वाली है। प्रायोरिटी क्यू बेसिकली करता क्या है कि ये एक ट्री फॉर्म करता रहता है इस तरीके का, और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हम यहाँ पे मिन हिप यूज़ कर रहे हैं, कि जो पेरेंट होगा पेरेंट की जो वैल्यू होगी वो अपने चिल्ड्रन से कम होगी, छोटी होगी। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करूँगा यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का, और इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। जरा देखते हैं किस तरीके से काम करने वाला है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक रैंडमली चूज कर लेते हैं वर्टेक्स और उसको डाल देते हैं, फॉर सिंपलिसिटी हम जीरो को चूज कर लेते हैं। तो हमने जीरो को डाल दिया इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू के अंदर, लेकिन हम किस तरीके से डाल रहे होंगे यहाँ पर, हर एक वर्टेक्स को हम एक की वैल्यू भी दे रहे हैं, ठीक है की। तो हमारी पहली चीज़ जो है वो डिनोट करे कि वो कौन सी वर्टेक्स है, और सेकंड चीज़ या तो वेट कह लो वेट, ठीक है डब्ल्यू टी। तो वर्टेक्स और वेट दो चीज़ों का एक पेयर बनेगा और वो पेयर इसमें डल रहा होगा। तो पहली चीज़ है वर्टेक्स और दूसरी चीज़ है वेट। तो अगर हम पहले सोर्स को मतलब जीरो को चूज़ कर रहे हैं तो उसका वेट अभी फिलहाल जीरो मान लेते हैं, और इसको हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जब तक प्रायोरिटी क्यू खत्म ना हो जाए तब तक हम एलिमेंट्स को पॉप करते रहेंगे प्रायोरिटी क्यू में से। तो पहले हमने प्रायोरिटी क्यू में से इसको निकाला बाहर, और हमारा करंट एलिमेंट हो जाएगा 00 00 00। का मतलब क्या है कि इसके अंदर जीरो वर्टेक्स है और जीरो इसका वेट है। करंट एलिमेंट ये हो गया, और हम क्या करेंगे जीरो को देखेंगे, क्या जीरो विजिटेड है अभी तक, तो जीरो अभी तक विजिटेड नहीं है, ठीक है ये विजिटेड बूलियन एरे है। सारी सारी वैल्यू इसके अंदर शुरुआत में फॉल्स होंगी, तो क्योंकि जीरो अभी तक विजिटेड नहीं है तो इसको हम मार्क कर देंगे ट्रू, कि ठीक है जीरो विजिटेड हो गया। और जीरो से कनेक्टेड जो भी नोड्स हैं उन सभी को लेंगे और उन सभी को इस प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे जो अभी तक विजिट नहीं हुई है। तो जीरो से हमारी वन कनेक्टेड है, वन, और उसका वेट हो जाएगा जो उसकी वेट है एज की, तो वो है टू। तो वन टू को हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। उसके बाद हमने देखा जीरो से कनेक्टेड है थ्री, तो थ्री भी हमने डाल दिया इसके अंदर, थ्री विद वेट सेवन। और अगला है फोर, फोर विद वेट सिक्स, ये हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। अब आप बोलोगे भैया प्रायोरिटी क्यू को पता कैसे चल रहा है कि इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो हम प्रायोरिटी क्यू को इस तरीके से मॉडिफाई करने वाले हैं कि वो इस पेयर में से उस एलिमेंट को छोटा माने जिसका वेट सबसे कम है, ठीक है। तो वेट के बेसिस पे हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो जब हम इस प्रायोरिटी क्यू को डाल रहे होंगे, हम कोड में भी देखेंगे कि ये जो पेयर है ये कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करने वाला है, और जब हम कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो हम वेट के हिसाब से उसको कंपेयर कर रहे होंगे। तो जिसका भी सबसे छोटा वेट है जो कि है ये वाला, वो नेक्स्ट इटरेशन में पॉप होने वाला है। तो हमने इसको पॉप कर दिया वन टू को, और हम एक आंसर भी बना के चलेंगे राइट, कि एक आंसर है तो हम आंसर के अंदर डाल देंगे कि वन टू था ना, तो वेट हो जाएगा टू, और अब हमारा करंट हो जाएगा वन टू, ठीक है। तो अभी हमारी करंट वर्टेक्स है वन, तो हम देखेंगे क्या वन अभी तक विजिट है, तो वन अभी तक विजिटेड नहीं है, तो वन को विजिटेड मार्क कर दो, और वन के सारे सारे नेबर्स के साथ भी वही काम करो। तो वन से कनेक्टेड है टू विद वर्टेक्स वन, तो इसको भी हम डाल देंगे टू विद वर्टेक्स वन। वन से कनेक्टेड है फोर विद वर्टेक्स फोर, उसको भी हम डाल देंगे। वन से कनेक्टेड जीरो भी है, लेकिन जीरो ऑलरेडी विजिटेड है तो इसलिए इसको नहीं डालेंगे, ठीक है जीरो ऑलरेडी विजिटेड है। तो वन से सिर्फ ये दोनों थे। अब हम अगली इटरेशन में दोबारा से सबसे छोटा एलिमेंट को निकालेंगे, तो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ये वाला टू वन। ये छोटा क्यों होगा, क्योंकि इसका वेट सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो वेट होगा वो अपने आप ही एक्सट्रैक्ट मिन हो रहा है, एक्सट्रैक्ट मिन, ठीक है। प्रायोरिटी के अंदर एक ऑपरेशन होता है एक्सट्रैक्ट मिन, जो कि लॉग एन में काम करता है। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, करंट हो जाएगा हमारा टू वन, मतलब वर्टेक्स नंबर टू और इसका वेट है वन, और आंसर के अंदर हम एक टू प्लस वन कर देंगे, तो टू प्लस वन हो जाएगा हमारा थ्री, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये चूज कर लिया और हमने ये भी चूज कर लिया, ठीक है। और अब हम करंट वर्टेक्स टू है, देखेंगे क्या विजिटेड है विजिटेड नहीं है, तो इसको हम विजिटेड मार्क कर देते हैं, और उसके बाद अब टू से कनेक्टेड जो भी नेबर्स हैं उनको भी हम पिक कर लेते हैं। तो टू से कनेक्टेड है वन लेकिन विजिटेड है, फोर विजिटेड नहीं है तो फोर को डाल देंगे, भले ही फोर यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फोर और टू यहाँ डाल देंगे, और थ्री भी डाल देते हैं, थ्री विद वर्टेक्स विद एज थ्री, उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। अब अगले इटरेशन में हम इनमें से सबसे छोटे वाले को चूज करेंगे, सबसे छोटा मान लो ये वाला है सबसे छोटा राइट, फोर टू, तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे, और आंसर के अंदर हम इस टू को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइव। हमने फोर टू बेसिकली इसको चूज किया है, इस वाली एज को चूज कर लिया है। अब हमारा फोर जो वर्टेक्स है वो अभी तक विजिटेड नहीं है, नहीं विजिटेड नहीं है तो उसको हम ट्रू मार्क कर देते हैं, और अब फोर के जो भी नेबर्स हैं उनमें से पिक करते हैं। तो फोर का नेबर एक जीरो है लेकिन वो विजिटेड है, फोर का नेबर वन है वो भी विजिटेड है, फोर का नेबर टू है वो भी विजिटेड है, फोर का नेबर थ्री है जो कि विजिटेड नहीं है, तो इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने थ्री को डाल दिया इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर विद वेट फाइव। अब सारे सारे इसके विजिट हो चुके हैं, अब हम इसमें से सबसे छोटे वाले को चूज करेंगे। तो ये तो हमने निकाल दिया था पहले, अब सबसे छोटा कौन सा, ये वाला सबसे छोटा है क्योंकि इसकी वेट सबसे छोटी है, ठीक है थ्री थ्री, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हमने बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट मिन किया, थ्री थ्री हो जाएगा हमारा करंट,
और ये 3 हमारा ऐड हो जाएगा आंसर के अंदर भी, तो 3 + 5 = 8 हो जाएगा ये। तो बेसिकली हमने इसको चूज़ कर लिया है, ठीक है, 3 इस वाले को। और अब हम देखेंगे 3 अभी तक विजिटेड नहीं था, तो 3 को हमने ट्रू मार्क कर दिया यहाँ पे। और अब 3 से कनेक्टेड जो भी है, जो अभी तक विजिट नहीं हुआ है, उनको हम डालते हैं प्राइडी के अंदर। लेकिन अब ऐसा कोई भी नहीं है, 3 से ये भी कनेक्टेड है लेकिन वो विजिटेड है, 3 से 0 कनेक्टेड है लेकिन वो भी विजिटेड है, 3 से 4 कनेक्टेड है वो भी विजिटेड है, तो कुछ भी हम नहीं डालेंगे प्राइडी के अंदर। नेक्स्ट इटरेशन में हम अगले एलिमेंट को निकालेंगे विच इज़ 4 4, तो करंट में हो जाएगा हमारा 4 4। लेकिन 4 4 से भी आप देखोगे तो कोई भी ऐसा नेबर नहीं है इसका जो कि अभी तक विजिट ना हुआ हो। तो धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट निकलते जाएंगे यहाँ से, और फिर फाइनली ये प्राइडी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 8, जिसके अंदर हमारी ये जो एजेस हैं वो आ रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो ये रहा हमारा कोड, हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है विच इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। इसके अंदर हमें देखा कितनी वर्टिसेस हमारे पास हैं और एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट इंटीजर दे रखा है विच इज द ग्राफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर 3 एरे लिस्ट क्यों है? बेसिकली पहले क्या था, हम एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट यूज कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई भी वेट डिफाइंड नहीं थी। अब यहाँ पर जो तीसरी एरे लिस्ट है वो बेसिकली बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक एक एज है और उस एज का वेट क्या है। तो जीरोथ इंडेक्स पे हमारा बताएगा कि कौन सी वाली वर्टिसेस की डेस्टिनेशन है और फर्स्ट इंडेक्स पे ये बताएगा कि उसका वेट क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक तरीका है आप लोगों का रिप्रेजेंट करने का वेटेड ग्राफ। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स यूज़ कर सकते थे, उस मैट्रिक्स के अंदर 2D मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर जो भी वैल्यू होती किसी भी सेल पर वो बता देती कि इस एज की वेट कितनी है। तो वो यूज़ करो, अदरवाइज आप ये यूज़ कर लो, ये वाला ज़्यादा इफिशियंट तरीका होता है, तो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से काम करने वाला कोड हमारा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक विजिटेड बूलियन एरे और उसके बाद हम बनाएंगे एक प्रायोरिटी क्यू। अब ये जो प्रायोरिटी क्यू है ये पेयर टाइप की है, तो ये पेयर देखते हैं इसके अंदर क्या पड़ा रहने वाला है। तो पेयर बेसिकली हमारा कंपेरेबल इंप्लीमेंट कर रहा होगा, इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा वेट और एक होगी वर्टिक्स। और इसके अंदर हम इस तरीके से इसे इनिशलाइज कर रहे होंगे पेयर को, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है इसका। और उसके बाद क्योंकि ये कंपेरेबल को इंप्लीमेंट कर रहा है इसलिए हमें इसमें कंपेयर टू फंक्शन डालना होगा, वो इस तरीके से काम करने वाला है वेट के बेसिस पे। तो मैंने आपको बताया भी था कि वेट के बेसिस पे हम पेयर्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन सा पेयर बड़ा है कौन सा पेयर छोटा है। ये कंपेयरेबल मेथड बनाना जरूरी था, अदरवाइज हम प्रायोरिटी क्यू डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो भी टाइप डलता है उसको कंपेरेबल को इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से पेयर बना रहे हो, अब देखते हैं कैसे यूज होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यू के अंदर एक पेयर डाल देंगे विच इज 0 0। हम लोग कोई भी चूज कर सकते थे यहाँ पर वर्टेक्स, तो मैंने 0th वर्टेक्स का स्टार्ट कर दिया। आप लोग किसी भी वर्टेक्स को चूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने 0th वर्टेक्स को चूज किया, उसका वेट डाल दिया है 0 शुरुआत में। अब उसके बाद आंसर मैं बनाते जा रहा हूँ क्योंकि इस आंसर के अंदर फाइनल वैल्यू होगी कि फाइनल टोटल सम कितना आ रहा है एजेस का। उसके बाद जब तक ये क्यू एम्प्टी ना हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट बाहर निकालेंगे। तो पहला हमने एलिमेंट बाहर निकाला विच इज़ करंट, उसकी जो वर्टेक्स होगी वो होगी यू। और अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो आप लोग कंटिन्यू कर जाओ कि इस वाले लूप को आप लोग स्किप कर दो। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक वर्टेक्स ऑलरेडी विजिटेड है इसका मतलब ये ऑलरेडी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर आ चुकी है। अगर ये ऑलरेडी आ चुकी है तो इसके सारे सारे एलिमेंट को, इसके सारे सारे नेबर्स को विजिट करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी आ चुके होंगे, मतलब वो सारे सारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऑलरेडी डल चुके होंगे। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और अगर ये विजिटेड नहीं है तो हम अंदर आएंगे और इसके इसके वेट को अपने आंसर में ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको मार्क कर देंगे ट्रू। और उसके बाद हम एक नेबर्स निकालेंगे जितने भी इसके नेबर्स रहने वाले हैं और सारे सारे नेबर्स पर जाने वाले हैं, फॉर लूप चलाएंगे। तो ये हमारे सारे सारे नेबर्स हो गए और इन नेबर्स में से हम निकालेंगे वर्टेक्स क्या है और इनका वेट क्या है। तो आप देख रहे हो 0th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है कि कौन सी वर्टेक्स इसकी डेस्टिनेशन है, इस नेबर से कौन सी डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हो, और इस नेबर का जो वेट है, इसका जो एज का वेट है वो कितना है, वो फर्स्ट इंडेक्स पर मिल रहा है। उसके बाद अगर ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, विजिटेड अगर इसका फॉल्स है, तभी आप लोगों को क्या करना है, इसको पेयर को डाल देना है अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर, ठीक है। तो पेयर को हम किस तरीके से डाल रहे हैं कि वर्टेक्स जहाँ पर हमें जाना है नेक्स्ट और उसका वेट क्या है। इस तरीके से हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट को फिल करते चलेंगे और फाइनली हमारा ये लूप चलता रहेगा और फाइनली हम इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कोड हो जाता है इसका, इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड भी होता है। ये वाला कोड वही है जो हमने अभी तक समझा था ना, वो सेम का सेम मैंने यहाँ पर कोड कर दिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होती है जरा वो समझते हैं। हमें पता है प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट डल रहे हैं वो कितने एलिमेंट एटमोस्ट डल सकते हैं, वो बेसिकली जितनी इसके अंदर एजेस हैं वो सारे सारे एलिमेंट डल सकते हैं। तो बिग ऑफ ई इसके अंदर एलिमेंट होंगे प्रायोरिटी क्यू के अंदर, राइट। और अगर ई है इसके अंदर एलिमेंट तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे लॉग में काम करते हैं, तो लॉग में ऑपरेशन हो रहे होते हैं सारे सारे लॉग ई। और कितनी बार ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हम जब तक प्रायोरिटी क्यू खत्म नहीं तब तक सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ई लॉग ई अभी फिलहाल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। और वहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्योंकि ई एलिमेंट डल रहे हैं एक बार में और साथ में एक विजिटेड बूलियन एरे भी बन रहा है जिसका साइज वी है, तो ई प्लस वी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वर्स्ट केस के अंदर। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है फिलहाल और ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। लेकिन इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, हम यहाँ पर सिर्फ प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रायोरिटी क्यू प्लस मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं ना, हैश मैप,
तो हमें पता होता है कि कौन सा एलिमेंट ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू के अंदर डला हुआ है, कौन सी वाली वर्टेक्स ऑलरेडी डली हुई है, तो उस वर्टेक्स से रिलेटेड अगर दूसरी वर्टेक्स मिल रही है तो सिर्फ उस वर्टेक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो, उस वर्टेक्स को दोबारा से मत डालो। हम यहाँ कर क्या कर रहे थे, एक वर्टेक्स अगर ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर एक वर्टेक्स का पेयर डला हुआ है, सपोज वन के लिए फोर डला हुआ है, वन फोर ये फोर वेट है, तो अगर हमें वन दोबारा से कभी मिलता है जिसका वेट अगर सपोज करो सेवन है, तो हम वन सेवन को भी डाल रहे हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास एक हैश मैप भी होता है साथ में तो हम 17 को नहीं डालते, हम चेक कर लेते कि क्या 14 डाला हुआ है, तो 1 से 7 कनेक्टेड है तो हम इसको वैल्यू को अपडेट कर देते अगर ये छोटी वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। तो सिर्फ उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जितनी है उतनी ही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती, राइट। यहाँ पर v होता और ये e टाइम चल रहा था, तो e log v हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती उस केस में, और यहाँ पर भी हमारा एक बिग ऑफ v प्लस v आता, तो ये आपका बिग ऑफ v ही बन जाता। तो इस तरीके से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होती उस केस में, तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक हैश मैप भी मेंटेन करके रखना पड़ता है और एक प्रायोरिटी क्यू भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं हमारे वाले तरीके के अंदर और इस वाले तरीके में, ज़्यादा फर्क है नहीं। हमारा वाला जो कोड है जो हमने किया है प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से, सिर्फ ये एक सिंपलर कोड है और ये भी काम कर देता है, ठीक है। इसको भी अगर मैं रन करूँगा तो ये भी चल जाएगा और ये भी ठीक टाइम में चल जाएगा, तो ये वाला कोड भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग चाहो तो हैश मैप भी बना के चल सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ज्यादा उससे। तो ये था हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम, इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली हमारी डैशराज एल्गोरिथम, वो हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।